हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो कि साक्षात स्वयं हनुमान जी का रूप है और उनका योगी अंगद के रूप में बाबा क्या नाम नाथ जी का त्यागी आदित्यनाथ जी है वो अंगद है जहां पैर जमा दे वो जम गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। अयोध्या में भगवान श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पीतल नगरी पूरी तरह से राममय हो गई है। चारों ओर जहां मंदिरों को सजा हुआ देखा जा सकता है, वहीं भगवान श्री राम भक्त अपने अपने ढंग से उत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। रविवार को एक ओर जहां भाजपा नेताओं की ओर से हनुमान मंदिर पर 11,000 दीपक जलाकर भव्य शुरुआत की गई, वहीं शहर के छिप्पड़वाड़ा स्थित श्री राम सत्संग भवन से भगवान श्री राम नगर परिक्रमा पर निकले। यह नगर परिक्रमा बेहद अनोखी देखी गई। भगवान श्री राम रथ में सवार हुए तो श्री राम भक्तों ने रथ खींचकर परिक्रमा की शुरुआत की। इस दौरान जहां परिक्रमा को झंडी दिखाकर भाजपा नेत्री वंदना पोपली ने रवाना किया, इतना ही नहीं उन्होंने रथ खींचने के अलावा शहर में परिक्रमा के दौरान श्री भगवान हनुमान मंदिर से लेकर घंटेश्वर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। वहीं सदगुरु शिवचंद जी इस धारे ने भी राम भक्तों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राम से बड़ा कोई भगवान नहीं। पंडित इस धारी जी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साक्षात हनुमान हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अंगद बता दिया। अब आपको दिखाते हैं रथ परिक्रमा को झंडी दिखाने के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली व सदगुरु श्री शिवचंद जी इस धारी ने शहर के लोगों को क्या संदेश दिया। भाई दैनिक, हाँ बोल भाई, क्या कहेंगे आज पूरे जिस तरह से कार्यक्रम पूरी तरह से अयोध्या की तरह रेवाड़ी सज चुका है। भैया हमारा तो क्या सारा संसार कह रहा है कि प्रभु राम वैसे तो कहीं गए नहीं है, लेकिन प्रभु राम को कुछ लोगों ने 500 साल से छोटे से जगह कर रखे, जबकि विस्तार है। प्रभु राम और छोर है, तीनों लोकों में राम जी है। इनसे बड़ा ना शंकर है, ना हनुमान जी, ना देवी है। तो जो राम जी महाराज उनका जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो कि साक्षात स्वयं हनुमान जी का रूप है और उनका योगी अंगद के रूप में बाबा क्या नाम नाथ जी का त्यागी आदित्यनाथ जी है वो अंगद है जहाँ पैर जमा दे वो जम गया। तो उनकी खुशी में उस मंदिर का कल होने जा रहा है मुहूर्त, हम भी उस खुशी के अंदर सब शामिल हैं। बारात में ना लगे तो भाई लड्डू तो मिलेंगे। बोल बजरंग बली बाबा की जय। आज का क्या पूरे कार्यक्रम रहने वाला है यहाँ से? आज का कार्यक्रम है अब ये परिक्रमा लिखेगी और उसके बाद कल का हवन है वाटिका के अंदर नहर के पास। आज कहाँ कहाँ से निकलेगी पूरी परिक्रमा? ये परिक्रमा बाजार में से लेकर घंटेश्वर मंदिर होते हुए यहाँ से कौन सा है बस अड्डे को पर चाने पानी का इंतजाम है, कॉफ़ी का इंतजाम है, पकौड़ी है। उसके बाद खाना बन रहा है यहाँ, कल भी खाना बनेगा, देसी घी का हलवा, खीर पूरी। शहर के लोगों को क्या मैसेज देंगे ताकि लोग? शहर का मैसेज ये देंगे कि भगवान राम की पूजा करो, कल्याण हो जाएगा। बहन जी क्या कहेंगे जिस तरह से आप यहाँ पहुँचे, पूरी तरह से माहौल राममय हो गया है? देखिए मुझे लगता है ये जो राममय माहौल कह रहे हैं आप, ये सिर्फ रेवाड़ी का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, भारत का नहीं है, पूरे विश्व का हो रहा है। सैकड़ों सालों के बाद रामलला टेंट से निकलकर अपने मंदिर में महल में जाने वाले हैं। ये आप जोश देख रहे हैं मेरे पीछे, जो आप लोग देख रहे हैं, ये कार्यक्रम रेवाड़ी में एक नहीं हो रहा, सैकड़ों कार्यक्रम हो रहे हैं और हर जगह हो रहे हैं। और ये जो जोश दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि सबको पता है कि अब जो रामलला हैं वो मंदिर में जा रहे हैं और जो उनके मन की भावनाएं उमड़ रही हैं, मुझे तो लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम इस क्षण को देख पा रहे हैं, समय को देख पा रहे हैं कि एक ऐसा समय आया इतने लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम अपने मंदिर में जा रहे हैं। तो सभी जो यहाँ पर भक्त हैं पूरे जोश के साथ यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और भी तरह तरह के प्रोग्राम जो हैं वो भी होंगे।